हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। मेरा नाम है चंद्रकांत और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा NISCL AO ऑटोमोबाइल इंजीनियर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो मेरा इंटरव्यू था 15 तारीख को 10:30 बजे वाले स्लॉट में, मतलब सेकंड स्लॉट में था। मैं टाइम पे पहुंच गया था, मेरा इंटरव्यू था बांद्रा में, तो 10:30 बजे का स्लॉट था, मैं टाइम पर पहुँचा। फिर उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं, सीधे आपको स्कैन करते हैं और जल्दी से हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा अभी पहले जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। उसके बाद इंटरव्यू का टाइम आया करीबन 1:30 बजे मेरा नंबर आ गया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की पैनल में 4 लोग और पैनल एक ही था, तो ऐसा भी नहीं है कि 2-3 पैनल चल रहे तो सबको अलग अलग मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एक ही पैनल था तो एक ही टाइप के लोग से आपको मार्क्स दे रहे हैं, तो सबके साथ इक्वल मार्क्स आने की, इक्वल का मतलब है सबको अपनी क्वालिटी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो 4 पुरुष थे और 1 महिला थे। उसमें सवाल केवल 3 लोग पूछ रहे थे और 2 लोग, मतलब 1 महिला और 1 पुरुष, वो केवल ऑब्जर्व कर रहे थे आप कैसे आंसर दे रहे हो, कैसे बैठे हो उसके बारे में। तो पहले मैं अंदर गया, मैंने बोला मैं कमिंग सर बोल के मैं अंदर गया। उन्होंने, मैंने सबको ग्रीटिंग किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बैठने को बोला, मैं बैठा थैंक यू बोल के। फिर जो सेंटर में सर थे उन्होंने पूछा, वो उनके पास डॉक्यूमेंट तो रहता ही है, उनके पास टैब था, उस टैबलेट में सारे डॉक्यूमेंट रहते, मतलब मेरा एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो उनके पास था। उन्होंने बोला कि आपने 2018 में इंजीनियरिंग ख़त्म की है आपको, या अभी 5 साल हो गए, क्या आपको याद है? तो मैंने कहा सर ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत याद है, तो क्या अच्छी बात है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, थोड़ा फैमिली के बारे में। फिर पूछा कि अभी जो FCI में आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका क्या रोल है, आप कौन सी पोस्ट पे हो, FCI कैसे काम करती है, उसके बारे में पूछा। उसके बाद फिर वो आ गए कि ह्यूमनलेस जो कार बनने लगी है, ऑटोमेटिक कार जो है वो कैसे काम करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसके बारे में पूछा। फिर दूसरे एक सर थे, उन्होंने सवाल पूछा कि रियर माउंट इंजन जो व्हीकल होता है, मतलब जिस व्हीकल में इंजन पीछे माउंट किया रहता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके बारे में पूछा। फिर एक तीसरे सर थे, उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या सच में पॉल्यूशन फ्री है, उसके बारे में आप क्या मानते हो, तो ये सवाल था। और दूसरा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली कैसे हैं, ये आप बताइए। तो ये सवाल थे, जो 4-5 सवाल मेरे को पूछे गए। इसमें 6 से 7 मिनट का टाइम लगा। इंटरव्यू एकदम नॉर्मल रहता है, आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने उधर देखा कि मतलब एकदम टेंस होकर रहते हैं कि क्या ही पूछ लेगा। नॉर्मल सा इंटरव्यू है, 6 से 7 मिनट में वो आपको देखेंगे, उनको जितना समझ आएगा कि आप किस टाइप की क्वालिटी, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको 4-5-6 पत्ते कुछ लिख के नोट्स बना के जाने और पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी कुछ भी नहीं करके गया, आराम से जाओ। आपने जो पढ़ा है ऑलरेडी, आप मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर अच्छा ही होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप किसी सर्विस में हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सर्विस के रिलेटेड कुछ पूछेंगे, उसी के इर्द गिर्द आपको टॉपिक चलते रहेंगे। टेक्निकल का थोड़ा बहुत पूछेगा, जो आएगा तो अच्छी बात है, ना आए तो आप बोल दीजिए कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो आंसर न देना ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिया तो अभी क्या हो जाएगा, आप वही देखेंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हो। क्या उसका रिप्लाई नहीं आता फिर भी क्या एकदम आपको पसीने छूट रहे हैं, क्या एकदम घबरा गए हो, वो बस ऑब्जर्व करते हैं। यदि आप बिंदास चिल होके दोगे तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फ्री होके फ्री माइंड से जाने का 6 से 7 मिनट का एक इंटरव्यू रहेगा, इतना टाइम रहता है नॉर्मली सबके लिए, उससे ज़्यादा वो टाइम देते भी नहीं है। 6 से 7 मिनट का इंटरव्यू में हो जाता है, इंटरव्यू का हो जाता है कामकाज, और उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो, किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से रूम में आए, ठीक है ना, उसी के मार्क्स से। तो फाइनल सिलेक्शन होता है कि नहीं होता वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस जो था इंटरव्यू का, वो आपको कुछ ना कुछ काम आएगा। और जिसका भी इंटरव्यू है आने वाले टाइम में, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।